तो यहाँ पे बन रहा है अंडा भुजी, चाय, ब्रेड पकौड़े बन गए हैं। चलिए लेकर चलते हैं। थोड़ा सा ना ये भूनना है, अभी थोड़ा कच्चा है ये अभी तैयार हो गया था, फिर आपको दिखाते हैं। तो आज का मौसम देख सकते हैं, आज तो धूप हुआ है हल्का। मैं सोच रही थी कि शायद 1 तारीख को होगा नहीं धूप, लेकिन आज तो माशाल्लाह धूप हुआ है। तो हो सकता है हम लोग बाहर कहीं जाए, क्योंकि बाहर जाने में थोड़ा धूप रहता तो अच्छा लगता है। यहाँ पर कपड़े सब सूख जाए, मैं उतार लेती हूँ। काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं है। तो यहाँ पे हो रही है पैकिंग, हम लोग जाने वाले हैं कहाँ वो आपको बाद में पता चलेगा। पैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। Welcome back to Ali Family Vlog. तो ये लोग मुझे छोड़कर फिर से जा रहे हैं, इनको समझाइए कि मुझे भी ट्रैवलिंग करना है और मुझे भी लेकर जाए कुछ बिल्लियों की दुनिया में। चलो कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक बोल देते हैं। दोनों अब यहाँ अकेले रहेंगे कासिद के साथ। इसके तो दिल के लायक है कि आज सब जल्दी कैसे उठ गया, क्योंकि ये सब 4 बजे सब उठने वाले हैं। तो अब कहाँ जाने की तैयारी है? अपने मामा के घर। कासिद नहीं जा रहा है, कासिद की तबीयत खराब है, ये समरीन की ट्रॉली है। तो यहाँ पे तैयारी हो गई बाहर निकलने का। कहाँ जा रहे हैं आप? पटना का सफर है, पटना जा रहे हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं एयरपोर्ट, सबने आगे आगे जा रही है। तो हम लोग का सारा चेक इन उकिन हो गया है, अब हम लोग चलते हैं बैठने के लिए। डिले है 9:30 में, 8:30 में थी खुलने की, अब 9:30 में। मूड खराब, चलो किसी टाइम तो पहुंचना है। नींद भी तो नहीं आ रही है, रात भर सोए ये क्या आवाज कर रहा है। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं चल पापे, क्योंकि ये पापे दिल्ली में नहीं मिलता है। ये वाला इसका गोल वाला भी आता है। और चाय, अब यहाँ पे अंडा भी था, ब्रेड भी था, वो खत्म हो गया। अंडा ब्रेड खत्म हो गया। यहाँ खूब खाते हैं हम लोग, यहाँ खाने के लिए आते हैं हम लोग। अभी फिर इसके थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद फिर खाना आ जाएगा। ओ भाई ये क्या है? आइए ना हमरा बिहार में। तो यहाँ पर आ गया खाने के लिए, अब खाकर देखते हैं कैसा टेस्ट है, कैसा लग रहा है। टेस्ट है सही। दावत कैसा लगा तुमको? बहुत मजा आया। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ इस पूरे कमरे की सफाई करने, ये पूरा फैला हुआ है, तो अभी फटाफट से मुझे ये सारा सफाई करना है। और शिट यार, मैंने मेरे ये फर कारपेट को गंदा कर दिया है। मिमसी मकासा का वो क्या नाम है, बिस्किट का वो नीचे गिर गया ना, उसके ऊपर दाग सा बन गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेंगे। अभी मैं सोच रही इस कारपेट को ना उठा के ही रख दूंगी अगर काम नहीं है तो, नहीं तो ये बहुत लाइट कलर है और इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है बहुत जल्दी। और दिल्ली में इतनी सर्दी है कि बिना हीटर का काम नहीं चल रहा है। हम लोग को बाहर जाना होता है लेकिन हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि ठंड इतनी है यार, और हम लोगों को ठंड बहुत जल्दी असर कर जाती है। मतलब अगर मैं अभी 2-3 दिन लगातार अगर बाहर चले जाऊँ ना तो बुखार हो जाएगा मुझे और समरीन को, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करते हैं बाहर जाना सर्दियों में, क्योंकि जनवरी हमारा बहुत ही मनहूस महीना होता है। क्योंकि पिछले साल क्या, हर साल जनवरी में हम लोग बीमार पड़ते हैं, अभी भी थे। तो अभी तो हम लोग 4-1 हफ्ते में ठीक हो गए थे, वरना 15-20 दिन
पिछले साल तो 15 दिन लग गए थे मुझे ठीक होने में, मुझे और समीन को 104 बुखार 103 बुखार, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है माशाल्लाह से। और समरीन को ना आज बहुत ही लेजी पना हो रहा है उससे, आज मतलब वो तैयार ही नहीं हो पा रही, आज उसका हाथ ही नहीं चल पा रहा है, मतलब उसको ये चाहिए कि बस बेड पे बैठे बैठे काम कर लूं, पर शूटिंग वाला काम नहीं हो। ये बिल्ली इन दोनों को मैंने कैद कर रखा था इसके घर में, दोनों को सर्दी की वजह से निकल के आ गई है, देख लो। तो चलो गाइस देखते हैं बाहर क्या चल रहा है। तो गाइस मैंने ना ये मंगवाया आज सुबह सुबह, एक तो मीशो वाले जो है ना 100-100 रुपए का सामान लेकर आ जाते हैं टुकड़ों में, जबकि एक साथ ऑर्डर होता है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसके अंदर है क्या। तो एक ना बहुत ही ट्रेंडी इयररिंग चल रही है टियर वाला, टियर ड्रॉप, जो कि मैंने चेक किया था जारा पे, 1500 रुपए की है वो इयररिंग, और मैंने सिर्फ और सिर्फ 130 रुपए में मंगाया मीशो से, सेम डिटो सेम, मैं खुद देख कर आई हूँ जारा में, अनबॉक्सिंग विद मॉम्स। ये वाला नहीं है वो यार, ये बिल्कुल सेम दिया है, मतलब ये चीज 130 रुपए में यहाँ मिल गई और जारा में 1500 रुपए की है, ये सेम, बताओ सच्चा। अब क्या दो तीन बार पहनो खत्म करो। वही तो, मीशो पे ना कुछ चीजें अच्छी मिल जाती है, कुछ चीजें बेकार मिलती है, जिससे इंसान शॉपिंग करना बंद कर देता है। पर आपको हार नहीं माननी, आपको रिव्यू पढ़ना पड़ेगा उस पे पहले, अगर रिव्यू अच्छा है मीशो पे तो ही आप सामान लिया करो, मेरी तो यही ट्रिक होती है। आज तक मेरे ना मीशो से मैंने कुछ भी गलत नहीं मंगवाया, मतलब जैसा देखा वैसे। अम्मी के साथ हुआ है भले ही, चादर मंगवाया था, अम्मी ने एक चादर मंगवाई थी, बहुत ही गंदी क्वालिटी थी, कागज रॉन्ग आ गया था, जैसे वो गलत दे दिया था। हाँ तो ये होता है ना, ये हो जाता है, पूरे 10 दिन के बाद वो गया है, मतलब उसके प्रोसीजर में इतना टाइम लगता है। तो आप लोग हमेशा ना बहुत सोच समझ के उससे शॉपिंग करने के लिए होता है। मैंने तो बहुत सारी ज्वेलरी मंगाई है उसपे से, अभी तो बस ये दो चीज आई है। गाइस मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं हूँ बर्थडे बॉय। तो गाइज मैं आपको मिल रही हूँ 100 घंटे के बाद, और अब जाके रूम की सफाई हो चुकी है और मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी यहाँ का कर्टन चेंज नहीं हुआ है, तो वो चेंज होगा बाद में, तो ये वाला एरिया भी छोड़ दिया है। इसकी लाइट भी चेंज होगी क्योंकि वो बिल्कुल डिम हो चुकी है, तो नई लाइट मंगवाई जो आपको दिख रहा है उस पॉलिथीन में है। और ये आप लोग सोचते हो कि ये पर्दे को ऐसे बांध के क्यों रखते हैं ये लोग, तो इसलिए रखते हैं क्योंकि मकासा ना इस पे चढ़ जाता है रात को और ऊपर जाके बैठ जाता है वहां, तो इसलिए सारे पर्दे को हम लोग ना ऐसे बांध के रख देते हैं ताकि ऊपर ना चढ़ पाए वो, और हम लोगों को ऐसे ही रखना पड़ता है, क्या करे यार। तैयार हो चुकी है अपनी वीडियो के लिए चुड़ैल। गाइस पूरा रूम मैंने अकेले साफ किया है, सब अकेले किया मैंने, और अभी मक्कू का रूम भी साफ हुआ है, उसमें से निकली है उसकी एक कंघी और एक ट्रीट, यहाँ भी साफ कर दिया है पूरा। ये मैंने छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स लिया है जिसमें नई नई ज्वेलरी है मेरी सारी, अभी तक यूज भी नहीं किया है। अरे घुस भाई। तो गाइज अम्मी का ये व्लॉग हम यही खत्म करते हैं, और ये सूट भी मैंने अम्मी का ही पहन रखा है, और चलो मिलते हैं हम आपको अगली व्लॉग में, जरूर देखना नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो अभी तब तक के लिए बाय बाय।